हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल चौहान फ्रॉम अवंती। आज की वीडियो बच्चों बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके अपकमिंग साइंस एग्जाम्स में सिली मिस्टेक नाम की चिड़िया को कैसे उड़ाया जाए। यस, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज है, और अगर आप ये समझ गए तो आपको आपके पेपर में जो सिली मिस्टेक्स रहती है, जिसकी वजह से एक बच्चे के एक पेपर में 10 से 15 या 20 नंबर तक डिडक्ट हो जाते हैं, तो इन सिली मिस्टेक्स को कैसे मिटाया जाए, ये मैं आज के वीडियो सेशंस में आप लोगों को समझाने वाला हूं। कहीं मत जाइएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये जो सिली मिस्टेक का सेशन है, ये हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज के सेशन में मैं पहला चैप्टर साइंस का, जो कि हमारा है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उस चैप्टर में सिली मिस्टेक्स को कैसे इग्नोर करना है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक्चुअल आंसर शीट्स के सैंपल्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। हमारी कुछ स्टूडेंट्स ने जब आंसर्स लिखे, तो मैंने उनको चेक करते वक्त क्या मिस्टेक्स पाई, क्या मिस्टेक्स मैंने नोटिस करी, और उन मिस्टेक्स को जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आपको उनको बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना है, सो दैट आप जब अपने एग्जाम में बैठे तो उस तरीके की मिस्टेक्स गलती से भी रिपीट ना हो। तो चलिए बच्चों, इसको शुरू करते हैं जल्दी से, बिना समय वेस्ट किए हुए। तो आई एम जस्ट मूविंग टू दैट। मैंने आप लोगों के साथ किया है स्क्रीन शेयर, अब इसको कर देते हैं जरा डिस्प्ले। तो अगर मैं यहां पर देखूं, तो बच्चों केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में से किस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स है जो हमें मिलती हैं, उन मिस्टेक्स को मैं आज हाईलाइट कर देने वाला हूं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ऐसा हो ही ना कि राहुल सर मैं एग्जाम में गया, एग्जाम में बैठा, सर आता था, लिख भी दिया था, लेकिन बस वो चीज छूट गई सर, वो चीज छूट गई सर वाले कॉन्सेप्ट को अब हम उड़ा देंगे, उसे खत्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए उसे पीछे छोड़ देंगे। तो मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन शेयर करने वाला हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और सिली मिस्टेक्स के लूप होल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले देखिए क्वेश्चन कैसे आया हुआ है। क्वेश्चन आया हुआ है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो। तो भैया हम लोग वो इक्वेशंस तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भाई कुछ नहीं है, रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो भाई बच्चे ने प्रोसेस भी लिखा है, आप देखिए आपको आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाया हुआ है रिएक्शन। बच्चे ने लिखा हुआ है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हमको ग्लूकोज मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। एक नंबर का सवाल था, बच्चा क्वेश्चन लिखकर आया, मम्मी को जरूर बोला होगा, मम्मी पूरा रिएक्शन लिख दिया था मैंने, कुछ नहीं कटेगा मेरा, वन में से वन ही आएगा। लेकिन टीचर कितने दे रहा है उसको, सिर्फ आधे नंबर दे रहा है। क्यों आधे नंबर मिल रहे हैं, किस खुशी में ये लड्डू बट रहा है उसको, ये रीजन इसके पीछे बस एक ही है कि उसने रिएक्शन तो लिखा, लेकिन फिजिकल स्टेट्स कौन लिखेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल स्टेट क्या है, वाटर का फिजिकल स्टेट क्या है, ग्लूकोज कौन सी फिजिकल स्टेट में है, और ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट क्या है, ये लिखा नहीं है। फिजिकल स्टेट ठीक से मेंशन ना करने की वजह से उसका आधा मार्क्स कट गया। तो बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप किसी रिएक्शन को लिखे तो फिजिकल स्टेट्स जरूर मेंशन करें। तो यहां पर से हमने ये सीखा कि किसी भी रिएक्शन को लिखे तो फिजिकल स्टेट जरूर लिखने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो भैया यहाँ पे है भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन इन बैलेंस फॉर्म, नीचे दिए हुए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके बता दो। अब आप लोग अच्छे से पढ़ के गए हो कि इसको बैलेंस कैसे करते हैं, रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट साइज में एक पर्टिकुलर एटम का नंबर बैलेंस होना चाहिए। आपने बैलेंसिंग रफ कॉलम में की, और उसके बाद उस बैलेंसिंग को आपने कॉपी पेस्ट करके अपनी आंसर शीट पे मिमिक कर दिया। तो जब मैंने इसको मिमिक किया अपनी आंसर शीट पे, तो भाई मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। लेकिन लिखने के बाद मैंने ये क्रॉस चेक नहीं किया कि क्या सारे एटम्स के नंबर बैलेंस्ड हैं। अब यहाँ पे इस बच्चे का आधा नंबर, एक नंबर का क्वेश्चन था, अगेन उसका आधा नंबर उड़ गया। अब यहाँ पे उसने क्या गलती की, यहाँ पे उसने रिएक्शन लिखा, सही बात, उसने फिजिकल स्टेट्स लिखी, सही बात, उसने रिएक्शन भी बैलेंस किया, जहां तक मैं उसकी आंसर शीट देख पा रहा हूँ उसने रिएक्शन सही सही बैलेंस किया होगा, सिर्फ जल्दबाजी में लिखते वक्त एक आधा नंबर उसने कहीं पे एक्स्ट्रा डाल दिया। जैसे कि आप इस रिएक्शन में देख रहे हैं, प्रोडक्ट साइड पे जो क्लोरीन लिखा हुआ है उसके साथ उसने एक टू नंबर डाल दिया।
ये जरूरी है कि आंसर लिखने के बाद मैं क्रॉस चेक करूं कि क्या नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड सेम है या नहीं. अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड लास्ट मोमेंट पे आप क्रॉस चेक नहीं करोगे तो फिर वो सिली मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहेगी, गलती हो सकती है, नंबर कट सकते हैं. तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है. यहां से मैंने क्या सीखा, रिएक्शन लिखने के बाद एटम्स के नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्रॉस चेक करना जरूरी है. अब अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं तो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. इस तरीके का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली और बच्चे इसमें फंस जाते हैं, गलती कर बैठते हैं. क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन. क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है. ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ के बताना है. किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ नहीं पूछ रहा है, वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट बताना है. लेकिन जब बच्चे ने क्वेश्चन लिखा तो उसने क्वेश्चन के आंसर लिखे, पहले क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के आंसर लिखे. लेकिन आप देख पा रहे हैं आंसर का क्या नतीजा आ रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस. एक छोटी सी सिली मिस्टेक आपका पूरा का पूरा आंसर भी बर्बाद कर सकती है और यहाँ पे वो बहुत अच्छे से दिख रहा है. बच्चे से सिर्फ एक ही गलती हुई है, जिसको उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा है वो उसने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है समझ के लिख दिया, और जिसको उसने रिड्यूसिंग एजेंट लिखा है वो ये समझ के लिख दिया कि रिडक्शन किसका हो रहा है. कहने का मतलब एग्जाम हॉल में जब वो जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहा था तब ये उसके दिमाग से शायद स्किप हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन में क्या फर्क है, इसीलिए वो एक गलती कर बैठा. तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है बच्चों. ऑक्सीडेशन पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमेशा वो होगा जो रिएक्शन में रिडक्शन कर रहा है, और सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट आपके रिएक्शन में वो होगा जो रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो इतनी सी छोटी सी बात को अगर आप इग्नोर कर देते हो तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का था. 4 चीजें इसमें पूछी गई थी 2 पार्ट्स की फॉर्म में, हर एक पार्ट का आधा आधा नंबर था, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का सिली मिस्टेक पूरे के पूरे 2 नंबर मेरे हाथ से लेके चला गया. ऐसी गलती मुझे नहीं करनी है. अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलूं तो ये मेरा फेवरेट है भाई. ये इस तरीके की गलती बहुत टाइप के आंसर शीट्स में मैंने देखी है, तो मैं चाहूंगा कि आप इस तरीके की गलती ना करें. यस, क्वेश्चन है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का सिंपल सा सादा सा एग्जाम्पल लिख के बता दो. तो बच्चे ने क्या किया, एग्जाम्पल लिखा. देखिए आंसर शीट में बच्चे ने एग्जाम्पल लिखा, बिल्कुल सही. एग्जाम्पल में उसने मीथेन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, साथ में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया. ठीक है, तो पहली गलती तो आपको दिख रही है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होना चाहिए, उधर ऑक्सीजन होना चाहिए. फिर उसने प्रोडक्ट साइड पे कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और वाटर बना दिया. अब मेरे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रही है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है कि रिएक्टेंट साइड पे हीट कहाँ से आया. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट अब्सॉर्ब नहीं करता. इस रिएक्शन में 2 तरीके की गलती है. एक तो उसने शायद जल्दी में लिखते हुए उसे CO2 कर दिया, जो कि CO2 नहीं है, O2 है. ये एक कंबस्शन रिएक्शन है. तो एक गलती रिएक्टेंट साइड पे उसने करी है कि भाई साहब उसने CO2 लिख दिया है, और एक गलती उसने और कर दी जिसपे मेरा पूरा फोकस है, दैट इज हीट. एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखकर उसने ये समझाने की कोशिश की है कि हीट अब्सॉर्ब हो रही है. यहाँ पे हीट अब्सॉर्ब नहीं, हीट रिलीज दिखाना था. तो बात बच्चों आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए. यहाँ से मुझे सीखने को क्या मिलता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट हमेशा प्रोडक्ट साइड पे रहता है और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट हमेशा रिएक्टेंट साइड पे रहता है. ये चीज कभी ना भूले बच्चों, इस टाइप की सिली मिस्टेक्स ना करें. और आखिरी टाइप की मोस्ट कॉमन सिली मिस्टेक्स बच्चों, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. तो बच्चों ये ऐसी चीजें हैं, इसको मैं सिली मिस्टेक भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा काइंड ऑफ इस पे थोड़ा फोकस करना है. जब आप चैप्टर 1 को पढ़ते हैं तो आपकी बुक में जितने एक्सपेरिमेंट्स और एक्टिविटीज आपको वहां पे मेंशन करके दिए हुए हैं, जिन जिन सॉल्यूशंस और जिन जिन सब्सटेंसेस को लेकर के दिए हुए हैं, उनके कलर्स को, उन सॉल्यूशंस के कलर्स को, उनके सॉल्ट के कलर को ध्यान में रख के जाना है. डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है. आजकल तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत प्रचलन में आ गए हैं,
यस, तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में तो ये पूरी इंफॉर्मेशन इनडायरेक्टली लिख के दी जाएगी। ऐसे में आपको कलर ऑफ सॉल्यूशंस, कलर ऑफ सॉल्ट्स पता होने चाहिए। आपको दुनिया के सारे केमिकल कंपाउंड्स के कलर्स पता लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप उतने के कलर्स पता लगाइए जो आपकी टेक्स्ट बुक्स में मेंशनड है। ये बहुत जरूरी है बच्चों, ऐसी गलती ना करें जैसी गलती इस बच्चे ने कर दी है। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ग्रीन इन कलर बोल दिया है, तो वो ग्रीन नहीं है, वो ब्लू इन कलर है अगर मैं उसके सोल्यूशन की बात करूं। तो दीज आर सम ऑफ दी लूप होल्स जिसकी वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है, हमें ध्यान रखना है कि इस टाइप की सिली मिस्टेक्स ना हो। अगर हम ऐसा करते हैं हर चैप्टर के लिए तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देंगे तो डेफिनेटली आप वो 15 से 20 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर पाएंगे, जिसकी वजह से अगर आप 80 पे थे तो आप 100 की तरफ जा पाएंगे, अगर आप 75 पे थे तो आप 95 की तरफ जा पाएंगे। सो आई होप बच्चों आपको सिली मिस्टेक्स, कॉमन सिली मिस्टेक्स का ये सेशन समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में।